हाउ वी कैन इंक्रीज आवर मेंटल एनर्जी, हम जो हमारी मेंटल एनर्जी है, जो माइंड की पोटेंशियल है, इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, या इसको ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको एक हाई पोटेंशियल पे लेके जा सकते हैं और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? सबसे पहली चीज जो इसमें अपना रोल प्ले करती है वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपको आपकी थॉट्स में क्लैरिटी चाहिए, यू नीड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यू नीड क्लैरिटी ऑफ लाइफ। आपको आपके आउटकम्स क्लियर होने चाहिए, जिंदगी में आपके गोल्स क्या हैं, आपके आउटकम क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, दैट मींस व्हाट एग्जैक्टली इज इंपॉर्टेंट टू यू, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जितनी आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा उतना ही ज्यादा आपका माइंड ऑप्टिमम लेवल पे वर्क करेगा। क्योंकि माइंड कब प्रॉपरली वर्क नहीं करता है या हम कब मेंटल एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते, जब हमारे पास बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते, जब हमें क्लैरिटी नहीं होती। जैसे मैं कहता हूं बार बार इस बात को कि अगर आपको सामने जाना कहाँ है वो रास्ता क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, या आप कंफ्यूज हैं कि ये रास्ता सही है या ये रास्ता सही है, या ये डेस्टिनेशन पे मुझे जाना है या ये डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आप उस रास्ते पे सही तरीके से पूरी पोटेंशियल के साथ चल भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है और माइंड आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अननेसेसरी आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, डिसिपेट ना हो। इसीलिए आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए, आपकी जिंदगी के गोल्स आपको क्लियर चाहिए, आउटकम्स आपको क्लियर चाहिए। वो आउटकम किन रास्तों पे चल के मिलेंगे वो क्लियर होना चाहिए। क्या आपके आउटकम के डायरेक्शन में है, क्या आपके आउटकम के डायरेक्शन में नहीं है, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जब आपके पास होगी तो आप अपनी मेंटल एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे, आपका माइंड का जो पोटेंशियल है आप उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपका माइंड आप किन चीजों से फीड करते हैं, व्हाट यू फीड इनसाइड योर माइंड। अगर आप बहुत सारी न्यूज देखते हैं, बहुत सारा नेगेटिव डिस्कशन करते हैं, इररेलेवेंट डिस्कशंस में अगर आप चले जाते हैं, तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो लो हो जाएगी। कभी आप इस चीज को टेस्ट करके देखिएगा कि अगर आप किसी पर्सन के साथ मिले और आप एक घंटे के लिए उस पर्सन के साथ मिल रहे हैं और उस एक घंटे आप दूसरों के बारे में बुराई कर रहे हैं, नेगेटिव डिस्कशन कर रहे हैं या दुनिया में क्या बुरा हो रहा है उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस एक घंटे के बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी। अभी आपने कोई फिजिकल मेहनत नहीं की है लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कितना थक चुके हैं। ये हर कोई फील करता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेंटल पावर थी, मेंटल एनर्जी थी, वो एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, वो डिसिपेट हो गई किन चीजों में, इररेलेवेंट एक्टिविटीज में। उसके कंपैरिजन में आप जरा किसी के साथ एक लविंग कन्वर्सेशन करके देखिए, किसी को अप्रिशिएट करके देखिए, आप कुछ पॉजिटिव चीजों पे डिस्कशन करके देखिए, किसी गोल के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात करके देखिए, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे उस एक घंटे बात करने के बाद आपकी एनर्जी और हाई हो जाएगी। कई बार जब मैं सेशंस लेता हूँ, नाइट सेशन जो अराउंड 10:30 या 11 o'clock पे भी खत्म होता है, और मैं पूछता हूँ लोगों से कि आपको क्या फील हो रहा है, कि आपका एनर्जी लेवल लो हो गया है या एनर्जी लेवल हाई हो गया है, तो लोग मुझे बताते हैं कि एनर्जी लेवल और ज्यादा हाई हो गया है, जबकि वो सुबह मॉर्निंग में 5:30 या 6 o'clock से उठे हुए हैं और रात के 11 बजे तक वो बहुत सारी चीजों को लर्न कर रहे हैं, अपने सारी दिन की एक्टिविटीज कर रहे हैं, रात में भी एक सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर भी एनर्जी लेवल हाई है, मेंटल एनर्जी हाई है। क्यों? क्योंकि उन चीजों पर काम किया जा रहा है जो लाइफ ओरिएंटेड है, उन चीजों पर वर्क किया जा रहा है जिससे मेंटल एनर्जी इनहेंस हो जाती है। तो अगर इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो हम अपनी मेंटल पावर को इनहेंस कर सकते हैं, फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह से चीजों को ऑब्जर्व करें, इस तरह से हम एक्टिविटीज में इंगेज हो, राइट? सो वर्क ऑन दीज टू थिंग्स और आप देखेंगे कि आपकी मेंटल एनर्जी एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी।